हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियसिटी चर्च के आपके साथ एक और डिस्कशन को लेके एंड बात करेंगे आज ऑब्वियसली वही कल होने वाले एक मेगा ब्लॉकबस्टर मुकाबले के बारे में कि जहां पे इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है अगेंस्ट इराक। वी ऑलरेडी नो इन किंग्स कप, सो एक बड़ा मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है। चैलेंजेस काफी ज्यादा है एंड टीम न्यूज के रिगार्डिंग भी थोड़ी सी बुरी खबर आ रही है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, किस तरह से हो सकती है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है इगोर टिमिक साहब की, उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। मोनालिसा भाई, आप फीफा अगर आप एप्लीकेशन में जाओगे तो वहाँ पे अपकमिंग इवेंट्स में आपको मिल जाएगा। आज नहीं दिखा रहा है, कल से वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सोनम गुप्ता भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, बिल्कुल बिल्कुल चिन्मय आचार्य भाई, याद हो आप? बिल्कुल याद हो भाई, बिल्कुल याद हो। तो जुड़ जाइए न्यूज। अरे ट्रेंडपाल भाई, क्या भाई क्या मैसेज आपको डिलीट करना पड़ा भाई? न्यूज आ रहा थी है। अच्छा भाई, बैक थ्री लोडिंग अगेंस्ट इराक, बात करते क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, हाउ टू वॉच। सोनम गुप्ता जी, आप ये इसको आप यूरो स्पोर्ट जियो टीवी एंड फीफा की जो एप्लीकेशन है वहाँ पे देख सकते हो। ध्रुव कुमार हेलो भाई, पुनीत भाई हेलो हेलो भाई, सोनम गुप्ता जी बता दीजिए कैसे देखना है। तो सबसे पहले तो टीम न्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंडिया के लिए यहाँ पे जैसे इगोर टिमिक साहब ने आज एक मीडिया एजेंसी को जो इंटरव्यू दिया है उसमें आप अहमदाबाद में ही रहो, लेट तो नहीं होगा कम से कम? चलो बढ़िया है। न्यूज आ रहा है कि चांगते कल नहीं खेलेगा, उसका तबीयत खराब है, फीवर है। यस, चांगते इंजर्ड है, उसके चलते वो कल नहीं स्टार्ट करेगा। आकाश मिश्रा का भी डाउटफुल है, तो ही माइट ऑल्सो नो स्टार्ट। वी ऑलरेडी नो अमरिंदर पाजी एंड सुभाषिस बोस यहाँ पे टीम के साथ नहीं जुड़े हैं। तो अगर टीम न्यूज की बात करें तो चार आपके जो काफी क्रुशियल प्लेयर है वो मिस कर रहे हैं। रिकु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो भाई, फीफा प्लस लैपटॉप पे देख सकते हैं क्या? फीफा का नहीं, आई डोंट थिंक सो कि लैपटॉप में चला पाओगे आप उसको। भाई आई वाज रियली एक्साइटेड अबाउट किंग्स कप बट नाउ नो मोर। देखिए डेफिनेटली ये तो देखिए ये तो होने ही वाला है। फुटबॉल में इस तरह की इंजरीज पार्ट एंड पार्सल होगी और ये आगे भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही टूर्नामेंट है, आप आगे भी जितने भी सीजन आपके होंगे तो ये इश्यू रहता ही है कि प्लेयर जब क्लब से आता है इंजरी का इश्यू चलता ही है। तो इससे हमें मूव फॉरवर्ड, इसीलिए आपको एक स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं बैकअप आपकी बी टीम होनी चाहिए ताकि इस तरह के जब जब भी आपको दिक्कत आए तब आप उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओ। चांगते प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो गया था, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था लेकिन इगोर टिमिक साहब ने बोला है कि वो फ्यूअर है तो शायद स्टार्ट ना करे भाई। वाई इगोर डोंट कॉल मोर प्लेयर्स एंड रिप्लेस देम, ये मेरे को भी समझ में नहीं आया विवेक राय भाई कि इन लोगों ने रिप्लेसमेंट क्यों नहीं लाए यहाँ पे किंग्स कप में, ये मेरी भी समझ से बाहर है थोड़ा सा। तो अगर हम स्टार्टिंग 11 की बात करें तो ऑब्वियसली आई थिंक गुरप्रीत सिंह संधू गोल में तो आपके पास वही ऑप्शन है, गुरमीत सिंह भी है वहाँ पे, लेकिन आई थिंक जीएसएस विल डेफिनेटली स्टार्ट। ब्रो जियो सिनेमा में दिखाएगा क्या? नहीं, जियो सिनेमा में नहीं आएगा, जियो सिनेमा में नहीं आएगा। चांगते कल नहीं खेलेगा क्या? पक्का चांसेस आ रहा वेरी वेरी लो, आई डोंट थिंक सो कि ही विल स्टार्ट। नंदू मगर बोल रहे लाइव बोर, अच्छा इसका क्या मतलब लाइव बोर नंदू मगर भाई? गुड इवनिंग भाई, अरे गुड इवनिंग प्रवीण भाई। आई थिंक गोल कीपर तो फिक्स है हमारा। आई थिंक कल मेरे को भी बैक थ्री एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। आई थिंक इगोर टिमिक माइट गो विथ लिटिल बिट डिफेंसिव सॉलिडारिटी, तो शायद मेहताब संदेश एंड अरवर तीनों स्टार्ट कर जाए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या फिर लैलेंस चुंगला। यहाँ पे चार सेंटर बैक है आपके पास, लैलेंस चुंगला, मेहताब, अनवर एंड क्या बोलते हैं कि संदेश चिंगान। तो मैं आई थिंक ही विल गो, उसने मतलब इंटरव्यू में भी बोला है कि अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन नहीं मिलता तो यू हैव टू गो फॉर द डिफेंड 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 एंड फिर एक काउंटर में अगर आपको मौका मिल जाए तो फिर आपका क्या बोलते हैं गोल आपका आएगा। तो उसने भी ये चीज क्लियर की है, तो आई थिंक वही स्ट्रेटेजी मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद कल बैक थ्री के साथ चले जाए एंड आशीष राय निखिल पुजारी को भी, क्योंकि लेफ्ट बैक में आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आकाश मिश्रा भी आपका इंजर्ड चल रहा है, सुभाषिस बोस ज्वाइन नहीं किया है, तो वो दोनों तरफ से क्या बोलते हैं कि आपके लिए वो दिक्कत वाली चीज है। आई थिंक बैक थ्री भी उतना कोई बुरा कोई ऑप्शन नहीं है, आई थिंक सॉलिड बैक थ्री अगर आपके पास है तो यू कैन डिफेंड अगेंस्ट दी इराक। इराक की भी बात करेंगे, इराक ऑल्सो हैव कमिंग अप, जैसे हम क्या बोलते हैं कि साफ इंटरकॉन्टिनेंटल एंड क्या बोलते हैं कि हीरो ट्राई नेशन जीत के आ रहे, वो उस तरह से अगर आप इराक का भी रिकॉर्ड देखे इस साल का 2023 का, 7 मैच उन्होंने खेले हैं उसमें से 4 आई थिंक जीते हैं एंड दो मैच हारे ऐसा है। वो दो मैच जो हारे है वो लास्ट में ही उन्होंने कोलंबिया एंड रशिया के सामने खेले थे, जिसमें आई थिंक रशिया के सामने 1-0 से हारे हैं, कोलंबो के सामने 2-0 से हारे। तो देखिए उनसे काफी हायर रैंक टीमों के सामने उन्होंने खेला है। अगर इराक की हम बात करें तो उनकी करंटली फीफा रैंकिंग है 70 एंड गल्फ का जो गल्फ कप है अरेबियन गल्फ कप,
वो भी जीत के आ रहे इस बार 1988 के बाद, वो पहली बार यहाँ पे इसको जीत रहे हैं। एंड हेसुस कासास की अगर बात करें, जेसुस कासास तो उनके स्पेनिश कोच है, वो भी नवंबर 2022 से ही टेक ओवर किया है, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 9-10 मंथ हुए हैं उसको टेक ओवर किए हुए। एंड वेरी अटैकिंग माइंडेड कोच है, स्पेन की नेशनल टीम का असिस्टेंट कोच रह चुका है 2018 to 2022 के अंडर, लुइस एनरिक के अंडर 4 साल उसने वहां पे काम किया, प्रीमियर लीग की क्लब में एज ए वेस्टफोर्ड के असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम किया है। काफी अटैकिंग माइंडेड मैनेजर है। 4-2-3-1 इज इज गो टू, यू कैन से कि प्लेइंग स्टाइल अगेंस्ट द लोअर रैंक ओपोनेंट। अगर हायर रैंक ओपोनेंट है तो फिर वो भी बैक थ्री में कन्वर्ट हो जाता है, 3-2-4-1 ऐसा कर देता है ताकि बैक में थोड़ी सोलिडारिटी मिल जाए। तो आई थिंक इगोर स्टेमिक्स को मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल यहाँ पे बैक थ्री के साथ ही जाना चाहिए, मेहताब, संदेश एंड अनवर अली, बैक थ्री परफेक्ट परफेक्ट आपके पास ऑप्शन है। एंड जो आपके दो आप क्या बोलते हैं कि वो खिलाना चाहते हैं विंग बैक, उसमें आपके पास मनवीर एंड क्या बोलते हैं बेस्ट ऑप्शन है आसिफ कुरुनियान, जो आई थिंक जोन फेरांडो ने भी यूज किया था मोहन बगान के लिए। आई थिंक दैट टेक्टिक्स विल एक्चुअली माइट वर्क फॉर इंडिया ऑल्सो, मैं इस तरह से देख रहा हूँ। आपके पास मिडफील्ड में भी अगर आप 3 मिडफील्डर डालना चाहते हो तो आई थिंक चिक्सन, उसके अलावा आपके पास सुरेश सिंह वांगजा, सुरेश वांगजाम भी है, रोहित कुमार भी है, थापा है, सहल अब्दुल समद है एंड ब्रेंडन फर्नांडिस है, तो मिडफील्ड में आपके एंड रोहित कुमार है, तो इतने ऑप्शन आपके मिडफील्ड में है। उसमें से आप चिक्सन एंड क्या बोलते हैं चिक्सन एंड सुरेश के साथ जा सकते हो। आई थिंक दो दोनों सॉलिड आपके वहां पे बैक में हो जाएंगे। फ्रंट में आप उसके आगे ब्रेंडन को रख दीजिए। फ्रंट लाइन की अगर हम बात करें तो आई थिंक आपके पास नोरे महेश है वहाँ पे, फिर आपके पास राइट विंग पे राहुल केपी भी है ऑप्शन है, रहीम अली आई थिंक स्टार्ट मिल जाएगा कल उसको, जिस तरह की हमारी सिचुएशन है मैं तो नहीं देखना चाहता था लेकिन वो मिल जाएगा। हाउ टू वॉच ऑन लैपटॉप भाई, लैपटॉप में भाई आई थिंक लैपटॉप में आपको यूरो स्पोर्ट ही शायद करना पड़े इसी के चलते। देखता हूँ मैं कैसा कोई ऑप्शन बनता है तो मैं बताता हूँ। मलेशिया ड्रॉ 2-2 अगेंस्ट सीरिया टुडे, वाओ। देखिए मलेशिया एंड सीरिया में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, 10-15 टैंकी आप देखिए उनके बीच में फासला है। यहाँ पे चयन पाल भाई बोल रहे आकाश मिश्रा भी नहीं स्टार्ट करेगा, आकाश मिश्रा का भी डाउटफुल है, डाउटफुल है भाई। कल क्या आप मैच का लिंक दोगे प्लीज? यस यस मोनालिसा रॉय भाई, लिंक जरूर देने की कोशिश होगी भाई। हाथ टूट गया है ऐसा किया ऐसा, वहाँ नॉर्मल हाथ में फ्रैक्चर सा है, तो ही विल माइट नॉट स्टार्ट टुमारो, इराक विल स्कोर 5। देखिए टफ टीम तो है एसन, क्या बोलते हैं कि उनकी जो स्क्वाड है ऑब्वियसली इसमें हमको पता ही है कि किस तरह के प्लेयर है। एमान हुसैन जो उनका नंबर 9 है, सबसे ज्यादा लिथल एमान हुसैन है भाई, ही हैज बीन ऑन ब्रिलियंट ब्रिलियंट फॉर्म। फिर जो उनका पास विंगर या फिर अटैकिंग मिडफील्डर है इब्राहिम बायस, ये भी भाई अल्कोवाल जाविया के लिए खेलता है एंड ही हैज बीन ऑल्सो ब्रिलियंट। अलकावा अल जाविया इस बार चैंपियंस लीग में भी खेल रही है, एफसी चैंपियंस लीग में, तो इब्राहिम बायस ही कैन प्ले एज अटैकिंग मिडफील्डर, ही कैन प्ले ऑन द विंगर ऑल्सो, सो ही हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड जिदान इकबाल हमको पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की एकेडमी का ग्रेजुएट, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी 16 मैच खेल चुका है, डिफेंसिव मिडफील्डर, वेरी वेरी सॉलिड, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई 3 एट द बैक के साथ ही आपका एक ऑप्शन बनता है, जिस तरह की आपके पास एडवर्सिटी है, जिस तरह के प्लेयर अवेलेबल है, आई थिंक यू हैव टू गो विद द बैक थ्री एंड आपको एक थोड़ा सा डिफेंसिव सोलिडारिटी भी मिल जाएगी। तैनावी यूएई का लिंक भेज दो भैया, तैनावी यूएई का लिंक नहीं है भाई मिलोन सिंह मेरे पास अभी। हाँ यूरो स्पोर्ट मी ना, हाँ यस यस रिकू शर्मा भाई यूरो स्पोर्ट में आएगा। हमारे रुद्र हाड़ा भाई की स्कोर है यहाँ पे फॉर दी टुमारो गाइज, आप भी अपनी स्कोर स्टार्टिंग 11 चैट में जरूर बता सकते हो। गुरप्रीत सिंह संधू, मेहताब, जिंगा, ननवर, बैक थ्री, आशीष भी ओके, आसिक आसिक अच्छा विंग बैक, जिक्सन सुरेश, ब्रेंडन, मनवीर, राहुल केपी, दिस ऑल्सो कैन बी गुड, दिस ऑल्सो कैन बी गुड। इसमें नोरम महेश को आप भूल गए, आई थिंक नोरम महेश का बनता है। कैप चालू होगा गेम, अच्छा गेम कल कल गाइस मैच का स्टार्टिंग टाइम है कल 4 बजे, कल 4 बजे मैच स्टार्ट होगा, तो मैच का गेम टाइम ये है भाई, कल 4 बजे से मुकाबला स्टार्ट होगा। मेरा कल चांगते का परफॉर्मेंस देखने के लिए एक्साइटिंग था, कैसे वो परफॉर्म करता है बिग एशियन टीम के अगेंस्ट, लेकिन लेट होप सो जो दूसरा मैच है 10 तारीख को उस तब तक फिट हो जाए भाई। हाउ टू वॉच ये बता दिया, चांगते चांगते में फीवर ठीक हुआ या नहीं? चांगते सर वेरी वेरी लो कि ही विल माइट नॉट स्टार्ट। आर्यन भाई अरे कैसे हो मेरे भाई, ताना नाना भाई कल कम्युनिटी पोस्ट में मैच का लिंक दे देना। बिल्कुल बिल्कुल मोनाल रिसा भाई, लाइव भी करेंगे तो वहां पे भी मिल जाएगा। लॉर्ड रहीम वर्सेस जिदान इकबाल, यस, तो आई थिंक मेरे को लगता है कि शायद रहीम अली को यहाँ पे खेलने का मौका मिल जाए कल स्टार्टिंग 11 में।
साथ में जो गोलकीपर है उसकी पासिंग थोड़ी बुरी है, बार बार नेपाल प्लेयर्स को दे दे रहा था वो, तो वाला वो डिफेंस का। यस नाइट भाई, 1-0 से काफी क्लोज मार्जिन से हम नेपाल से जीत चुके हैं, एंड वी आर गोज इन टू दी क्या बोलते हैं सेमीफाइनल, एंड भूटान के सामने हम खेलेंगे अब अंडर 16 में। आशीष मेसी बोल रहे लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं, आकाश मिश्रा का रिप्लेसमेंट कौन आ सकता है? कोई नहीं है रिप्लेसमेंट, कोई नहीं है भाई, यू हैव टू गो विथ योर वन ऑफ दी, या तो लेलन चुंगला को आपको खिला देना पड़ेगा लेफ्ट बैक, तो यही करना पड़ेगा भाई, मेक शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 बजे स्टार्ट होगा, नहीं, 4 बजे मैच स्टार्ट होगा, वहाँ के मलेशिया के स्टैंडर्ड मलेशिया के टाइम के हिसाब से 5:30 बजे है, तो हमारे हिसाब से यहाँ पे 4 बजे मैच स्टार्ट होगा। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन अगेंस्ट इराक? इराक के अगर देखे आई थिंक वी माइट लूज ऑन दी 1 गोल डिफरेंस, दैट्स माय प्रेडिक्शन। आई थिंक वी विल पुट अप अ गुड फाइट, बट आई थिंक वी माइट लूज ऑन दी 1 गोल मार्जिन, दैट्स माय प्रेडिक्शन। सुना मैंने, यस एक्साइटेड टू सी नोरेमा सिंह परफॉर्मेंस अगेंस्ट टॉप एशियन टीम। आई थिंक आई एम आल्सो रियली रियली एक्साइटेड हाउ ही इज गोइंग टू टेक दिस चैलेंज, बिकॉज फिजिकलिटी विल बी टेस्टेड हियर, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट। सहल विल स्कोर, डोंट वरी, मेसी उसके साथ है और मेरी दुआ। अरे भाई सर चलो, भैया आज मेरा बर्थडे, अरे हैप्पी बर्थडे गाइस चैट में भाई, आर्यन ओपी हो जाना चाहिए, और आर्यन भाई को भाई सब विश कर दो। 3-5-2 इन अटैक एंड 5-3-2 इन डिफेंस, यही 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 करना पड़ेगा आपको, काउंटर के ऊपर ज्यादा रिलाय करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई आपके पास आशिक मनवीर एंड आशीष राय जैसे विंग बैक्स है कि जो क्रॉसेस भी अच्छे डाल सकते हैं, तो दैट विल बी द टैक्टिक्स। तना ना बोल दो एक बार, अरे भाई बिल्ड बोल दिया भाई, तना ना ना लाइव कहाँ चल रहा है लाइव अभी भाई, कल मैच है, कल है आज नहीं है। मलेशिया यूजेस मेनी फॉरेन बोर्न प्लेयर्स इन देयर करंट टीम, आई शो देयर गेम, यस उन्होंने नेचुरलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है गडार कुल भाई, तो आगे भी आपको वहाँ पे काफी ज्यादा प्लेयर देखने को मिलेंगे। चयन पाल बोल रहे चांसे को देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट था बिग एशियन टीम के अगेंस्ट देखने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ भाई आई एम विजन भाई आपको विश कर रहे हैं भाई, डार्क पुल भाई कर रहे हैं, मोनालिसा रोय भाई कर रहे हैं, आई एम विजन भाई। आई एम एडविक बोल रहे कि आज इंडियन गोलकीपर ने जो एक्स्ट्रा टाइम में सेव किया है वो क्लास था, उसका रिफ्लेक्स बढ़िया था, यस वो लास्ट मोमेंट में सेव अच्छा था, लास्ट मोमेंट वाला सेव अच्छा था। तो गाइज इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, एंड जैसे हम भी इन्फॉर्म आ रहे हैं वैसे ही आप देखें कि क्या बोलते हैं कि इराक की टीम भी फुल ऑन अच्छी, क्या बोलते हैं कि इस साल की अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस उन्होंने पुटअप की है, बड़ी टीमों को हराया है, कतार हो, ओमान हो, बिग टीम्स को उन्होंने, सऊदी अरेबिया हो, सबको, भले ही सऊदी अरेबिया कतार की आप बोल लीजिए कि उतनी स्ट्रॉन्ग स्कोर है, उन्होंने गल्फ कप में नहीं भेजी थी, लेकिन फिर भी उनको हराना इट्स नॉट अ इजी थिंग, एंड आई थिंक अच्छी फाइट पुटअप की है। कोच आई थिंक उनके पास एक बेहतरीन कोच है, हेसुस कासास की, जो मतलब आपको पता है स्पेनिश कोचेस का जो टेक्टिकल गेम प्लान होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बीट देम, एंड पर्टिकुलरली आई थिंक आई आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम कुछ ज्यादा बॉल रख पाएंगे, आई थिंक वी हैव टू यूज अवर फिजिकलिटी फिजिकलिटी इंटेंसिटी एंड काउंटर पे, दैट्स द ओनली वे वी कैन स्केप स्केप गोट फ्रॉम हियर। अच्छा रुद्र हड़ा भाई की फिर से आ चुके हैं, सुरेश, ब्रेंडन, मनवीर, राहुल के पी माई 11, यस यस। कितना प्लेयर नहीं है कल के मैच में, हरी भाई इंडिया टीम में थोड़ा कमजोर नहीं हो गया क्या? देखिए कमजोर तो हो गया क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं आया उसके, तो इसीलिए कमजोर हो चुका है, और चांगते एंड आकाश मिश्रा डाउटफुल है कल के लिए भाई। ईशान पंडिता को सिलेक्ट करना चाहिए था एज अ स्ट्राइकर, एटलीस्ट ही इज बेटर देन रहीम अली। प्रिंस ब्लैक भाई गेमिंग भाई वो इंजर्ड है भाई, इंजर्ड है, कैसे सिलेक्ट नहीं करेंगे भाई, इंजर्ड है वो बंदा। अभी ये न्यूज आ रही है कि वो केरला ब्लास्टर का जो यूएई का प्री सीजन टूर है वहां पे भी नहीं जा रहा है, तो इंजर्ड है भाई बंदा, तो कैसे लेके जाएंगे। थैंक यू फॉर द विशेष टू विजयन भाई। चंद्रवाहा देवलोरू बोल रहे इंडिया शुड प्ले अटैकिंग फ्रॉम द स्टार्ट, अटैकिंग आई डोंट थिंक सो कि टैक्टिक्स होगी टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह की कंडीशन से हम आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि रिस्क लेगा इगो सेमिक कि यहाँ पे 3-0-4, देखिए अगर 3-0-4 स्कोर लाइन से हारते हो तो देट विल अफेक्ट मोर ऑन दी प्लेयर, तो रादर देन आई थिंक ही विल गो विथ सेफ कैन से कि बैक थ्री और थोड़ा सा डिफेंसिव के साथ जाएगा। होप कल इंडिया के जीत के साथ आपका बर्थडे ट्रीट मिल जाए, बिल्कुल भाई इगो स्टेमिक से आपका भी बर्थडे है भाई, तो विशिंग हिम ऑल्सो वेरी हैप्पी बर्थडे। कल का स्टार्टिंग 11 फुल एंड फाइनल बोल दो भाई, कल मेरा जो स्टार्टिंग 11 रहेगा गाइज, गुरप्रीत सिंह संधू, मेहताब सिंह, अनवर अली, संदेश चिंगान, आसिफ कुरुनियान एंड मनवीर सिंह एज ए फुल बैक, सुरेश वांगजाम, जिप्सन सिंह एंड ब्रेंडन फर्नांडिस, नोरेम महेश एंड कितना हुआ 3 एट दी बैक, 3 मिडफील्डर, 2 फुल बैक, 5 वो हो गए 8, नोरेम महेश 9 हो गया, 2 प्लेयर और बचाना,
आई थिंक वी माइट हैव टू गो विथ राहुल को एपी एंड रहीम अली अनफॉर्चुनेटली, या फिर सहल को भी करा सकते हो, आई यू नेवर नो, आई थिंक सहल एंड ब्रेंडन बोथ कैन ऑल्सो प्ले, थापा भी है, बट रहीम अली माइट स्टार्ट, तो रहीम अली एंड राइट विंग पे आई थिंक राहुल केपी, आई विल पुट आसिक एंड आसिस एज ए विंग बैक एज ए ऑल्सो प्ले सेम पोजिशन एज देर क्लब्स एंड दिस माइट हेल्प इंडिया अग्री, हाँ ये भी हो सकता है. एनी अपडेट ऑन एम सी एफ सी एस सी एल टेलीकास्ट एंड टिकट अवेलेबिलिटी? अभी तक देवाशीष कुलकर्णी भाई ब्रॉडकास्ट का अपडेट नहीं आया है, जैसे आता है भाई मिल जाएंगे. हु इज अवर सब्स्टिट्यूट फॉर रहीम? मनवीर सिंह, लेकिन वो भी स्टार्ट कर रहा होगा, तो कोई ही है नहीं भाई, सुनील छेत्री नहीं है, नहीं नहीं मोटी स्टोरी भाई, वो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ है, तो वो इसमें नहीं है, एशियन गेम्स में जुड़ जाएंगे. हाई ब्रो आई एम फ्रॉम नेपाल, लव इंडियन फुटबॉल. अरे संतोष महतो भाई बढ़िया भाई, चलो भाई उसके पहले वाले कॉमेंट सारे ले लिए थे भाई. आपके हिसाब से कल कितना स्कोर होगा? बोथ टीम प्रेडिक्ट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2-1 टाइप स्कोर लाइन. आई थिंक, आई डोंट थिंक सो कि इट विल बी हाई स्कोरिंग मैच टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक वी विल डिफेंस वेरी वेल, बिकॉज आप देखिए हमारी डिफेंसिव लाइन, हमारा जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हमारी डिफेंस ही है. एंड किप्टन सिंह इज ऑल्सो इन गुड फॉर्म. सूरज वांगजाम अगर स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा उसका मेरे को डाउटफुल लग रहा है इन टर्म्स ऑफ दी रिदम, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग इंजरी वापस आ रहा है, गेम टाइम नहीं मिला है, दुरांत कब खेला नहीं है, तो वो एक कंसर्निंग एरिया है उसके लिए. अटैकिंग नहीं खेल पाएगा, पोजीशन मिलेगी मिलते ही इराक के प्लेयर्स प्रेस करेंगे और प्रेशर में बॉल को कर देगा, यस यस लूज कर देगा. एग्री एग्री, दैट आई थिंक दैट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वहां पे ही हमें केयरफुल रहना है और बॉल लूज नहीं करनी है भाई इजीली. आपके हिसाब से कितना स्कोर होगा बता दिया? आई विश की गोष्ठी में कैसे स्ट्राइकर, वाई यासिर नॉट इन टीम? यासिर जोशुआ कार्ल्टन भाई आफ्टर दैट आई थिंक हीरो ट्राई नेशन, उसको सिलेक्ट ही नहीं किया गया, इंटर कॉन्टिनेंटल में भी नहीं किया, सिलेक्ट किया था एंड साफ में भी नहीं किया गया है. ही वॉज सेंटर बैक, हाँ ही वॉज सेंटर बैक भाई. आज इतना पोस्ट पे लगा है, इंडिया 4 गोल से जीता था आज, थोड़ा इंडिया को अच्छा लगा. आई थिंक अच्छी अच्छी कंपेरेटिव टू बांग्लादेश वी कैन दिस से कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाया. प्ले अनवर एज ए स्ट्राइकर एंड लॉर्ड रहीम एज ए सेंटर बैक, तो फिर भाई गोल तो मार देंगे हम, लेकिन गोल उतने ही खा जाएंगे भाई. भाई आप कहाँ है? मैं भाई डेमियन संगमा भाई अभी अहमदाबाद आया हूँ. रहीम अली गो नो? अरे भाई तो अभी तो है ही वो ऑप्शन, तो क्या करें भाई. सहल एंड ब्रेंडन कभी हुआ है क्या? आई थिंक खेल सकते हैं दोनों, साथ में खेल सकते हैं. आप डिफेंसिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो एक को आपको स्ट्राइकर के या फिर राइट विंग खिलाना पड़ेगा सहल को माइट, जैसे आई थिंक एक आध दो मैच में जोन फर्नांडो ने भी ट्राई किया था उसको थोड़ा सा राइट फ्लैंक से खिलाने की, तो वो कर सकते हो आप. नोरेम थापा ब्रेंडन रहीम अली ये भी फ्रंट फोर कर सकते हो, देखते हैं. इंडिया हैज अ चांस टू विन देम 2-1 इन टुमारोस मैच विथ अ ड्रॉ नैरो विन, व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? से अगर वो पुल ऑफ कर लेते हैं देन आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्री हो जाएगी हमारी रिसेंट पास्ट में, अगर 2-1 की विक्ट्री हम पास करते हैं तो भाई. सल एंड ब्रैंडन साथ में तो आई थिंक नहीं खिलाया है. विक्रम को लेके जा सकते थे, एटलीस्ट एक और ऑप्शन होता, विक्रम को आई थिंक ले जाना चाहिए था. एग्री मारू भाई. संजीव गोयन का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने वाला था विथ फुटबॉल स्टेडियम एंड एकेडमी, उसका कोई अपडेट है क्या? नहीं, उसका कोई अपडेट नहीं दिया है भाई उन्होंने. इंडिया हैज अ चांस टू ले लिया था. कैन मनवीर स्कोर? देखिए स्कोर करने के लिए तो हमें हर कोई के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारी फिनिशिंग ही उतनी वो है भाई, क्या करें. थैंक यू फॉर द विशेस, पर मैं एक बात रिवील करना चाहता हूँ कि मैं मजाक कर रहा था और मेरा बर्थडे 4 सितंबर को था, पर अभी भी लोग विश कर दिया तो ठीक है. चलो भाई ठीक है, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. बस बस एक बात याद रखना है, कल रिजल्ट जो भी इंडिया को सपोर्ट करके रहना है, कल इराक से अगर हार गए तो बहुत सारा अपना ज्ञान देगा और इंडिया का ट्रोल करेगा. अरे भाई वो तो ऐसे ऐसा फरोज को क्या बोलते कि छोड़ो भाई, ऐसे तो काफी सारे इंडिया में पड़े पड़े हैं, तो इनको छोड़ो भाई, इसको मत, हम टीम को सपोर्ट करना है, दैट्स द इंपोर्टेंट थिंग. मैच कब है भाई? मैच कल भाई जसकरण सिंह भाई, कल शाम 4 बजे. डोंट स्पैम टाइम आउट दे दूंगा भाई. आई वॉन्ट ओनली इंडिया प्ले लाइक कॉन्फिडेंस, यस दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. आप चाहे भले डिफेंसिव टैक्टिक्स से चार जाओ, क्योंकि कभी कभी आपको एज अ सिचुएशन भी रिएक्ट करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि आप हर वक्त ब्यूटीफुल फुटबॉल ही खेल सकते हो या फिर एक एक, एक जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल है वही खेल सकते हो. आपको ओपोनेंट के हिसाब से, आपकी प्लेयर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको गेम प्लान लेके जाना चाहिए. कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बॉल अपने पास रखो, उनको मेहनत करवाओ, इतना ईजी विन मत दो उनको, चाहे भले ही आपकी जैसी भी टीम हो, कंडीशन हो,
कहीं पे भी हो, यू हैव टू बी लुक सॉलिड, एंड उनको भी लगना चाहिए कि नहीं भाई हम एक स्ट्रॉन्ग टीम के सामने खेल रहे हैं, तो चाहे भले ही आप मैच हार जाओ लेकिन वो एक फाइट तो देनी पड़ेगी भाई। 2016 में सुना था संजीव गोयन का स्टेडियम बना, अरे भाई ऐसे तो काफी सारे अनाउंसमेंट कितने लोगों ने कर दिया भाई। पार्टी बस करना पड़ेगा कल, पार्टी बस आई डोंट थिंक सो कि 100% पार्टी बस के साथ जाना चाहिए। आई थिंक वी काउंटर अटैक भी हमें माइंड में रखना चाहिए, विक्रम इज नॉट गुड येट। अच्छा भाई वी नीड सम कॉन्फिडेंस टुमारो, 4-2-3-1 और 3-5-2। आई थिंक इकोस्टमिक विल गो विद 3-5-2 या फिर 4-4-2 भी जा सकता है, वो भी एक डिफेंसिव ही है। रहीम अली इज गोल कीपर एंड मनवीर भी अहमदाबाद में होटल में ठहरे हुआ। नहीं 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 अहमदाबाद में भाई काफी ज्यादा रिलेटिव है वहाँ पे वो। गुरकिरत कुड बी द गेम चेंजर इफ ही वो स्पीक इन प्लेस ऑफ रहीम अली एंड पंडिता टू। आई थिंक सो, आई ऑल्सो थिंक सेम कि गुरकिरत को मौका देना चाहिए था। आई थिंक सो। मैच 4 बजे है या 5:30 बजे, कन्फ्यूजन। 4 बजे है भाई, वो थाईलैंड के टाइम के हिसाब से 5:30 है, हमारे हिसाब से 4 बजे है। आई विश कल इंडिया जीते, बिल्कुल भाई भाई ट्रेन से स्ट्रीम देख रहा हूँ। अरे आशीष राज भाई, अरे थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू वेरी मच। ओनली 19 प्लेयर्स गोइंग टू किंग्स कप। हाँ नहीं, वो चांगते और आकाश मिश्रा भी गए हुए हैं वो, लेकिन वो थोड़ा सा इंजर है भाई, तो शायद कल ना खेला भाई। स्टीमेक को भी अभी पार्क बस फॉर्मेशन नहीं करेगा, काउंटर पे खेलेगा। हाँ वही वही इन अ सेंस वही हो जाएगा, मिड ब्लॉक खेलेगा, पूरा पार्क की बस नहीं करेगा। मिड ब्लॉक इज द गुड टैक्टिक्स अगेंस्ट इराक, रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, निकाल सकते हैं रिजल्ट। वी नीड टू प्ले प्रोग्रेसिव फुटबॉल, दैट्स द राइट वे जोशुआ कार्ल्टन वे, दैट्स द राइट वे। आपको ये भी नहीं कि सेल में चले जाना है और मतलब सामने तो कौन सी टीम आ गई भाई, वो इराक ही है, आपसे कितना 19-18 रैंक आगे है। तो जैसे अभी मलेशिया ने सीरिया को हरा दिया, तो वैसे वो भी कितना, मलेशिया आई थिंक 110 से ऊपर है, सीरिया 95 के अराउंड है, उसका भी 15-18-20 रैंक का डिफरेंस हरा दिया ना। तो फुटबॉल इज अनप्रेडिक्टेबल गेम भाई, तो ऐसा नहीं कि पूरा सेल में चला जाना है, पूरा डिफेंड ही करते जाना है। यू हैव टू टेक दी चांसेस ऑफ काउंटर अटैक्स, एंड काउंटर अटैक में आपको भाई क्या बोलते कि प्रिसीजन चाहिए, आपको चांसेस कम मिलेंगे, तो यू हैव टू बी 100% आपका जो कन्वर्जन रेट है वो बढ़िया होना पड़ेगा इस मैच में। यू कांट मिस लॉट ऑफ चांसेस, आप चांसेस को आपको बड़े चांस में तब्दील करना पड़ेगा। यू हैव टू टेस्ट देयर कीपर, दे बैक लाइन फिजिकलिटी शोन करनी पड़ेगी, प्रेसिंग हमारी ओर से भी तगड़ा होना चाहिए, सभी वो लोग भी अंडर प्रेशर आएंगे, वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे। आई वुड स्टार्ट राहुल केपी, वी नीड दैट स्पीड टुमारो काउंटर पे, मे बी वेन आकाश हैंड ब्रोक। ये भाई इगोर स्टेमिक साहब ने अपडेट दिया है, अब एक्चुअल क्या उसका इंजरी के अपडेट है पर अभी पूरा क्लियर उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन आया नहीं है। सेकंड मैच स्टार्ट भी कर दे, यू नेवर नो, इतना कुछ सीरियस नहीं होगा, तो सेकंड मैच में कितना पॉसिबिलिटी है आकाश और चांगते का देखते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि ऑफिशियल यहाँ पे एफ की ओर से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है कि भाई ये दो प्लेयरों को इतनी इंजरी है, सारी सारी चीजें। 60-40 इन फेवर ऑफ इराक टुमारो विन प्रेडिक्शन, एग्री, आई काइंड ऑफ एग्री। आकाश ब्रोकन हैंड लेके दुरांत भी खेला, उसका लेफ्ट हैंड पे ब्लैक कलर का कुछ लगा रहता है हमेशा, यस थोड़ा सा है, उतना कोई ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं है, तो ही माइट, आकाश का मेरे को लग रहा है कि शायद स्टार्ट कर जाए, अगर इगोर स्टेमिक चाहते हैं कि वो एक लेफ्ट फ्लैंक से वो, तो माइट ही गोट स्टार्ट। आकाश ने हैंड कैसे ब्रोक कर दिया मुझे समझा नहीं, अरे वो ऐसा वो इंजरी है उसको, ऐसा नहीं कि अभी अभी एक दो दिन में इंजरी हुआ है, वो इंजरी के साथ ही खेल रहा था, इतना सीरियस इंजरी नहीं है, तो कमबैक भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितने भी लोग जुड़े हो गए यार, लाइक एंड सब्सक्राइब करने में यार कंजूसी मत करो, लाइक एंड सब्सक्राइब जी भर के ठोको, बड़ा मैच है, टीम को सपोर्ट चाहिए, तो हैव टू लाइक सब्सक्राइब ठोको भाई। और चांगते फीवर हो जाए, फीवर सही हो जाए एंड स्टार्ट टुमारो, मैं लेट्स होप सो। आपके पीछे ब्लैंक वॉल देख के सोचा अभी अभी आपके रूम के पे रोनाल्डो का पिक्चर लगेगा, मगर मैं गलत निकला है भाई। अरे भाई मैं दूसरों के घर पे आया हूँ, वहां पे मैं कहाँ पे रोनाल्डो का फोटो लगा दूँ भाई। आकाश शुड प्ले इफ ही प्लेड दुरंत कप विद द हैंड, हाँ माइट उसको मिल सकता है, आई थिंक ही माइट स्टार्ट। अनवर का कल रेस्ट टेस्ट, रियल टेस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक अनवर बैकलाइन हमारी संदेश सिंघा, अनवर एंड मेहताब अगर स्टार्ट करते हैं देन भाई उनको बहुत ज्यादा डिफेंडिंग करनी पड़ेगी। अगर इंडिया हरा देगा इराक को तो फीफा रैंकिंग पॉइंट अच्छा मिलेगा शायद, की फ्रेंडली मैच ये बता, हाँ बिल्कुल अच्छा मिलेगा, ये फीफा विंडो में ही आता है। रोहित कुमार महतो भाई जो ये वैसे फ्रेंडली मैच ये टीम्स का भले ही नाम दिया गया हो लेकिन ये फीफा विंडो में आता है, तो पॉइंट आपको भर भर के मिलेंगे और आपकी रैंकिंग एक दो नंबर ऊपर जा सकते हैं। अनवर के ऊपर बहुत सारे एसएन क्लब स्काउट करता होगा, देखिए अभी तक तो ऐसे कोई उसको ऑफर आया नहीं है। रोनाल्डो एंड मेसी का एक फ्रेम लेके घूमो
आसिक वॉज फ्लॉप इन लेफ्ट बैक, दैट्स व्हाई ही वॉज किक्ड आउट बाई एबेब्स एंड प्लेड रोशन. लेकिन अब देखिए, आसिक कुरुजान एज अ प्लेयर आई थिंक मच इम्प्रूव हुए हैं माइंड सेट पे. और आपको पता है कि इंडियन प्लेयरों का जो पीक है वो इतना जल्दी नहीं आता, वो तो कुछ ही ऐसे प्लेयर है कि जो 20-22 साल में फाट रहे हैं, बाकी जो हमारे प्लेयरों का पीक है वो 25 के बाद ही आता है भाई. वट विल बी द फ्रंट थ्री अकॉर्डिंग टू यू? फ्रंट थ्री में ही सबसे ज्यादा दिक्कत है, वहां पे आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है. चांगते चला गया है तो मनवीर आई थिंक माइट गेट चांस इन फ्रंट थ्री. नोरेम मायस हैज टू बी स्टार्ट. रहीम अली, कुछ लोग बोल रहे हैं देश ने इंजर्ड कराया चांगते. अरे भाई ऐसे लोग, आपको पता है इंडिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, पागल लोगों की, तो क्या ही बोले. अरे हेलो भाई सुनील छेत्री, तो गोड भाई हेलो भाई. कोई इराकी फैन आया है? हाँ इराकी फैन आ चुका है भाई. कोई आईक्यू आईक्यू इराक बोल रहे हैं. बिल्कुल भाई, आपको इराक को भाई हम पूरा टक्कर देंगे और बताएंगे कि व्हाट इज न्यू इंडिया एंड ये नया इंडिया है भाई, ये घर में घुस के मारेगा वाली चीज है. तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको अपने ही अंदाज में दिया, क्या बोलते कि वो दिया जाएगा जवाब. मेहता मुंबई के लिए बॉल में कितना कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन नेशनल टीम में मिस पास करता है बहुत. वो थोड़ा सा भाई आपकी नेशनल टीम में भी उसकी जगह बन रही है, सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. एक प्रेशर भी, हाई इंटेंसिटी भी होती है, तो धीरे धीरे भाई हो जाएगा. फीफा प्लस टीवी फ्री में दिखेगा मैच. चांसेस आर हायर कि वो फ्री में दिखाएंगे. चांसेस आर हायर. इंग्लिश में रिप्लाई करो इनको रिवाई. इंग्लिश में नहीं भाई, वो इंग्लिश भी नहीं, अरबी ही समझेंगे वो लोग. बैकग्राउंड चेंज क्यों किया? मेसी को चाहिए कॉफी. अरे भाई मैं बाहर हूँ यार, बाहर हूँ भाई. हिंदी कैसे समझ आ रही है इसे? अरे नहीं यार, वैसे ही देखने पाया होगा भाई. आसिक को अगर स्टार्ट नहीं किया तो 60-70 मिनट के बाद लाना चाहिए, आखिर में उसका पेस काम आएगा. ये भी कर सकते हो, दैट ऑल्सो कैन बी ऑप्शन. तो इराकी फैन टाइप इन इंग्लिश. तो आई थिंक देखिए एक्सपेक्टेशन हमारी काफी लो है, लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि टीम साथ में खेली हुई है, कॉन्फिडेंस वाली टीम है. एंड अच्छा दुरान कप खेल के काफी सारे प्लेयर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे अनवर अली का देखिए आप, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस उसका रहा है एज अ डिफेंसिव परफॉर्मेंस एंड एज अ क्या बोलते गोल भी उसने मारे हैं. तो ही हैज बीन ब्रिलियंट इन दिस दुरान कप, वो आई एम कॉन्फिडेंस. संदेश जिंगन थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि एफसी गोवा के लिए उसका परफॉर्मेंस दुरान कप में अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ऑलवेज इंडियन टीम के लिए वो स्टेपअप की है. नोरेम मैस का बढ़िया रहा है, आप दुरान कप देख लीजिए. मिडफील्ड में आप देखिए जिक्सन सिंह, आई थिंक नो मतलब उसमें कोई डिस्कशन बनता ही नहीं है. खेलते ब्रेंडन फर्नांडिस का बेहतरीन रहा है फॉर द एफसी गोवा. सहल अब्दुल समद आई थिंक अच्छा खेल रहे हैं. उसके अलावा यहाँ पे मनवीर सिंह का ब्रिलियंट रहा है, तो उसको भी स्टार्ट मिल सकता है. सिद्धार्थ इकबाल इज नॉट प्लेइंग. चंद्रासन दुआल भाई, अरे भाई ये हेरे भाई इंडिया तो गया. अरे नहीं 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 सुरेश भाई ऐसा नहीं है. जानते हो आकाश भी नहीं खेलेगा, सुना मैं रॉन्ग न्यूज. नहीं 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 ये स्टीमेट साहब ने बोला है कि दोनों इंजर्ड है, तो चांसेस आर लेस कि वो शायद स्टार्ट करे. घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इराक को तो साउथ कोरिया और जापान नहीं है घबराने की. हाँ ग्राउंड पे फाइट होगा, प्ले अपना सीध और कॉन्फिडेंस रखें. बिल्कुल बिल्कुल भाई. भाई कितने टाइम पर स्टार्ट होगा किंग विराट भाई? 4 बजे कल स्टार्ट होगा मैच, कल शाम 4 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैच आपको जियो टीवी में यूरो स्पोर्ट करके जो चैनल है वहां पे देखने को मिलेगा. एक ही बार कमेंट कीजिए, कमेंट ले लिया जाएगा. और एक क्या बोल रहे थे, फ्रंट टू से खेलना चाहिए इंडिया को टुमोरो. माइट बी आई थिंक अगर विंग बैक के साथ आप विंग बैक के साथ जाते हो तो फिर फ्रंट टू में आप रख सकते हो मनवीर एंड नोरेम मायस, दैट ऑल्सो गुड ऑप्शन. उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है. आसिक एंड आशीष राय या फिर आसिक एंड राहुल केपी भी आपको खेल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो आशीष एंड आसिक आप एज ए विंग बैक, मनवीर एंड नोरेम मायस फ्रंट टू, ब्रेंडन सुरेश वांगजाम जिक्सन या फिर ब्रेंडन थापा जिक्सन ये भी कर सकते हो आप, सहल थापा जिक्सन ये भी कर सकते हो. लॉट ऑफ वेराइटीज आर ऑप्शन अवेलेबल देन. पहले तो घबराना नहीं है. हाँ ये सबसे बड़ा मंत्र है भाई, पहले घबराना नहीं है. मिडफील्ड में बॉल कंट्रोल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर थापा जिक्सन सहल और ब्रेंडन. एग्री 100%. भाई आप यूट्यूब में फुटबॉल डिस्कशन वाले लोगों को एक साथ मिलने का काम करना चाहिए, उनके खिलाफ जो टॉक्सिक कमेंट करते हैं कम्युनिटी के ऊपर, उसको भाई एक सबसे बड़ी बेस्ट उनकी जो मेडिसिन है इग्नोर मारो उसको, सिंपल एज दैट. सदीक को अल्बेनिया नेशनल टीम में कॉल अप दिया है, आईएसएल के लिए बहुत अच्छा न्यूज है. मैं खेलते टाइम कोई प्लेयर यूरो क्वालिफायर खेलेगा. बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए आपकी लीग जैसे बड़ी होती जाएगी तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी. पोलैंड जैसी एंड चेक रिपब्लिक जैसी बड़ी टीमों के सामने, क्योंकि टॉप 50 फीफा रैंकिंग में है, तो उनके सामने खेलेगी तो ऑब्वियसली अरमांडो सादिको ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू रिप्रेजेंट हिज कंट्री. चंदर यादव भाई काफी दिनों बाद हेलो भाई. भाई आज मलेशिया ने सीरिया को ड्रॉ पे रोका, हम दोनों से खेलना है फ्यूचर में. बिल्कुल बिल्कुल भाई,
हम उन दोनों से अभी करंटली फॉर्म में हम आगे हैं। चलो अरे भाई जिम था के आता हूँ। अरे चलो भाई थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग भाई। अरे भाई आप वेकेशन पे हो क्या? अरे नहीं नहीं एक थोड़े से क्या बोलते कि आपको पता ही है कि रिलेटिव्स के यहाँ पे जाना पड़ता है, तो यू नो भाई तो वाली चीज़ है भाई। तो घबराना नहीं है इंडिया को, ये हमारा क्या बोलते कि मेन वो होना चाहिए एटीट्यूड एंड पूरा अपना जो एबिलिटीज है उनको 100% देना है एंड वी विल डेफिनेटली कम एज ए विक्टोरियस, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर रिगो स्टेमिक साहब ने भी यही बोला है कि बेस्ट बर्थडे गिफ्ट फॉर मी एंड फॉर दी सुनील छेत्री सर ऑल्सो फॉर इज न्यू बोर्न चाइल्ड, आई थिंक वो वही रहेगी टीम की ओर से कि अगर वो इराक के सामने भाई जीत दिला देते, क्योंकि देखिए 90 मिनट है प्लस प्लस पेनल्टी शूट आउट है, डायरेक्ट 90 मिनट के बाद डायरेक्ट पेनल्टी शूट आउट है। तो यहाँ पे इंडिया अगर डिफेंसिवली अब देखिए फर्स्ट हाफ आपने डिफेंसिवली अच्छा खिला खिला लिया तो सेकंड हाफ में फिर प्रेशर इराक के ऊपर बनता जाएगा, क्योंकि जो ये किंग्स कप है उसकी वन ऑफ दी फेवरेट्स उनको ही माना जा रहा है कि वो इसको किंग्स कप जीतना ही चाहिए उनको, इससे ऑलरेडी पहले वो किंग्स कप जीत भी चुके हैं तो उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन उनके ऊपर ज्यादा है, तो ये सारी चीजें ऊपर उनके ऊपर ज्यादा है, फैंस हमारे ज्यादा होंगे स्टेडियम में तो ये हमारे लिए एडवांटेज है वहाँ पे, तो कुछ चीजें हमारे फेवर में कुछ एक्सपेक्टेशन उनके ऊपर है, तो हमारे लिए मतलब पाने के लिए सब कुछ है, होने के लिए एज सच उसके कंपैरिजन में नहीं है, तो ये वाली चीज है, तो विल डेफिनेटली हैव टू यूटिलाइज ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो एंड वो भी हमें दिमाग में रखना चाहिए। इंडिया को लस्सी पी के जाना चाहिए। हाँ चांगते और आकाश नहीं है कल, हाँ वो दोनों मोस्ट प्रोबेबली ने स्टार्ट नहीं करेंगे, अंडर 16 टीम अच्छा खेली आज सर, यस यस वो धीरे धीरे भाई बहुत पहला मैच था इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट हमने जैसे बोला, धीरे धीरे साथ में खेलेंगे एक्सपोजर मिलेगा तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है इगोर एंड एएफएफ का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। अरे भाई सॉर्ट आउट ना हो तो भी भाई दोनों के जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो करनी ही पड़ेगी भाई। भाई नंदा कुमार को क्यों नहीं लिया? ये मेरे को भी भारतीय यूट्यूब भाई मेरे को भी एक जब स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई थी किंग्स कप की मेरे को भी स्ट्रेंज डिसीजन लगा था, जब राहुल केपी को लिया गया था एंड नंदा कुमार शिकार को नहीं लिया गया था, तो वही एक मेरे को स्ट्रेंज डिसीजन लगा था, लेकिन कोच ने आई थिंक कोच की जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट रही होगी। संजय मरीनर भाई आज सो गए शायद नहीं आ पाए लाइव पे, हाँ ये नहीं दिख रहे भाई संजय मरीनर भाई। भाई गोवा बीच घूमने गए वो क्या इतनी गर्मी में? वो एक जगह है, अरे नहीं 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 भाई गोवा बीच नहीं गया भाई, गोवा नहीं गया भाई, अहमदाबाद में हूँ भाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी से यहाँ पे भाई हालत वो हो ढीली हो रखी है, वो वाली चीज है भाई। उसके अलावा तो आई थिंक सेकंड हाफ में जितना टाइम जाता रहेगा प्रेशर इराक के ऊपर बढ़ता रहेगा एंड सेट पीसेस से आई थिंक रमेश विश्वास भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई मैं आगे आ रहे, वेलकम वेलकम ब्रो, वेलकम बैक। हमारा ऑलराउंडर डिफेंडर प्लस मिडफील्डर स्ट्राइकर अनवर अली है ब्रो, हाँ सब कुछ वो है भाई ससुराल में, नहीं 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 भाई ससुराल में नहीं हूँ। माई प्रेडिक्शन 1-1 ड्रॉ, पेनल्टी में इंडिया जीतेगा। देखिए ये मैं इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है कि इफ दिस मैच गोज इनटू द पेनल्टी वी आर बीटिंग इराक, दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर, ये तो मेरे को लग ही रहा है कि अगर हम गए भाई पेनल्टी शूट आउट हम हरा देंगे भाई, फिर गुरप्रीत सिंह संधू को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। माई प्रेडिक्शन इज 2-1 फ्राइडे भाई बोल रहे हैं। भाई स्क्वाड अनाउंस होने के बाद अगर कोई इंजर्ड होता है तो रिप्लेस नहीं कर सकते है? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिगो स्टेमिक साहब ने एएफएफ ने नहीं समझा कि भाई यहाँ पे दो ही मैच है तो स्क्वाड के साथ निकाल लेंगे, ऐसी थॉट प्रोसेस यहाँ पे दिख रही है, दैट्स व्हाई दे डोंट कॉल्ड अप बैकअप्स। पेनल्टी तक जाए तो इराक का खत्म, टाटा भाई भाई बिल्कुल भाई। माय प्रेडिक्शन इंडिया 5 इराक 2। अरे भाई आई एम विजन भाई, थोड़ा सा रियलिस्टिक प्रेडिक्शन दो भाई, टेंशन मत लो हम अच्छा खेलेंगे, मैं वही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम अच्छा खेलें और फाइट दे, दैट्स ऑल आई, दैट्स व्हाट आई ऑल वांट फ्रॉम आवर टीम, सिंपल एज दैट, रिजल्ट चाहे कुछ भी आ जाए, नो एक्स्ट्रा टाइम, नहीं, चंद्रदास देवलूर भाई नो एक्स्ट्रा टाइम, सीधा पेनल्टी शूटआउट, तो ये हमारे लिए एडवांटेज होगा कि सेकंड हाफ में प्रेशर उनके ऊपर बनता जाएगा एंड हम उसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकते हैं। सेट पीसेस में वी हैव ए सम वेरी वेरी गुड हेडर अटैकर अनवर अली, उसके अलावा यहाँ पे मनवीर सिंह, दिस टू आर रियली रियली ब्रिलियंट, संदेश जिंगन ऑलरेडी वहाँ पे, इजिप्शियन सिंह वी ऑल नो, सो देर आर गुड हेडर के हमारे पास बंदे हैं, नो एक्स्ट्रा टाइम, नहीं भाई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। 0-0 ड्रॉ बोल रहे हैं, अच्छा सुमन दोरा बोल रहे हैं मैच कब है, मैच कल शाम 4 बजे है, मेरा प्रेडिक्शन इंडिया 1-0 इराक, ये भी हो सकता है। ब्रो व्हाट विल बी अवर रैंक आफ्टर दिस टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट के बाद आई थिंक हम 97-98 तक जा सकते हैं, इन टू पेनल्टीज इंडिया विन, इन टू पेनल्टीज इंडिया विन डेफिनेटली एग्री। 10, अच्छा 10 किस चीज के लिए चंद्र यादव भाई? इंडिया 2-1 इराक और इराक 2-1 इंडिया, मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अगर
90 मिनट में मैच खत्म हुआ तो एक गोल के मार्जिन से ही होगा, उससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हेलो भाई नमकुल गेमिंग भाई, हेलो भाई। थाईलैंड चालू निकला, लेबनान के साथ खुद का मैच रख दिया। अरे भाई ये तो हर कोई कंट्री करता है कि उसकी टीम को फाइनल में इजीली कैसे पहुंचाया जाए। 1-0 मिल इंडिया, बिल्कुल भाई। भाई मैच कहाँ देख सकते हैं मैच भाई? रमेश विश्वास भाई आप जियो टीवी में यूरो स्पोर्ट करके चैनल है वहाँ पे देख सकते हो, टीवी में यूरो स्पोर्ट ऑब्वियसली, एंड फीफा की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पे देख सकते हो। आई थिंक 0-0 और 1-1 होगा, देन पेनल्टी इंडिया विन, मजा आ जाएगा फिर भाई। मुझे रियल में मजा नहीं आ रहा है। अच्छा भाई रेफरी विल प्ले की रोल, आपको क्या लगता है साफ टूर्नामेंट जैसे रेफरिंग थे वैसे? नहीं, यहाँ पे फीफा के, क्योंकि फीफा विंडो में है तो फीफा के ऑफिशियट होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। विल क्लब्स रिलीज प्लेयर फॉर एशियन गेम्स, कुछ पता नहीं भाई, जिस तरह की इन लोगों ने पूरी खिचड़ी पका रखी है इसमें से कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखना कुछ मतलब वो वाली बात हो जाएगी भाई। आज इंडिया अंडर 16 ने अच्छा गेम प्ले दिखाया, डिफेंस वॉज ऑल्सो ऑर्गेनाइज। यस यस भाई वो आज आ रहा है वो भाई। किंग्स कप में क्या वीआर होगा? किंग्स कप में वीआर नहीं होगा। भाई कोलकाता इज नॉट सिलेक्टेड एज ए फीफा क्वालिफायर्स वेन्यू, ये तो भाई अर्नव फुकान भाई अब क्या बोलते हैं एएफएफ का डिसीजन है, उन्होंने भाई यहाँ पे सोच समझ के डिसीजन लिया है, वही बता सकते हैं कि क्यों यहाँ पे उनको नहीं लिया गया। इंडिया कंसिडर्ड, और शायद उनका रहा होगा कि भाई जहाँ पे अभी फुटबॉल ग्रो कराना चाहते उस स्टेट को मौका दिया जाए। इंडिया कंसीडर 7 गोल, आई डोंट थिंक सो कि हम इतना गोल खाएंगे। आर यू एक्सपेक्टिंग इगोर स्टेमिक गेटिंग रेड कार्ड? यू नेवर नो भाई, यू नेवर नो, उसका भाई हाई टेम्पर बंदा है तो यू नेवर नो। लेबनान के साथ भी थाईलैंड का लगा ब्रो। हाँ भाई आकाश का रिप्लेसमेंट कौन होगा? कोई नहीं है भाई, लेलेन चुंगला खेल सकता है आपका लेफ्ट बैक। बैकग्राउंड में भाई बाहर इंडिया 1-0 इराक। अच्छा भाई टीमेट इज इनकेपेबल मैनेजर टू इंजर्ड प्लेयर्स नाउ क्राइंग नो रिप्लेसमेंट कोल्ड। भाई अंडर 16 में हमने बहुत चांस मिस किए, वो तो है भाई इश्यू हमारा थोड़ा सा। लव फ्रॉम हैदराबाद, अरे चंद्रदास डॉलर भाई थैंक यू नोज भाई। ऑल नॉकआउट मैचेस है क्या? यस यस ऑल नॉकआउट सीधा, ये सेमीफाइनल ही है, इसके बाद फाइनल दो ही मैच है। ये नाम दिया गया किंग्स कप, वैसे तो ये फ्रेंडली ही है। थाईलैंड का समझ नहीं आ पाए, जितना टफ ओपोनेंट को फेस करोगे उतना एक्सपीरियंस होगा। ये किंग्स कप तो वर्ल्ड कप तो नहीं है, तो जितने पर बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे हमारा भाई इंटरकॉन्टिनेंटल कप है तो इन लोगों के लिए किंग्स कप वो है भाई, तो वो चाहेंगे भाई कि इस टूर्नामेंट में उसकी टीम फाइनल खेलेगा। थाईलैंड के ग्राउंड में एशियन कप अंडर 17 में प्लेयर्स बहुत फिसल रहे थे, वो इस बार ऐसा ना हो। हाँ ये बात भी है भाई। आशिक कुरुनिया ना चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम थाईलैंड। इराक इज अंडर एस्टिमेटिंग द इंडियन फुटबॉल टीम, इट वॉज सीन दैट लाइक द कुवैत मैच, कुवैत हैड अ लॉट ऑफ अंडर स्टूडेंट अगेंस्ट इंडिया, सो कुवैत इज गोइंग टू लूज द फर्स्ट मैच अगेंस्ट इंडिया। इराक की वीकनेस क्या है जिसमें इंडिया कन्वर्ट कर सकते हैं, डिस्कशन सम मेन इश्यू भाई। इराक की वीकनेस अगर आप देखेंगे, आई थिंक जिस तरह की फुटबॉल उन्होंने पिछले पास्ट में खेली है, दे लव टू, अगर छोटी टीमों के सामने देखिए तो दे वॉन्ट मोर पोजिशन, स्पेनिश कोच है एंड जो फिलोसॉफी है तो पोजिशन बेस्ड रहेगी, तो काउंटर पे आप उनको हिट कर सकते हो। सेट पीसेस आपका एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे आप उनको मतलब हरा सकते हो, थोड़ा सा वो हमारे साथ हाई लाइन खेलने की कोशिश करेंगे, तो अगर काउंटर पे आप क्विक रहे और आपके पास पैसिव विंगर है देन यू कैन, आपको स्पेस मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि एक कॉम्पैक्ट साइड होके खेलती है। तो दिस आर दी एरियाज की जहाँ पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। भाई साउंड अच्छा नहीं आ रहा है, साउंड राहुल राजबक्सी भाई साउंड, क्योंकि यहाँ पे भाई मैं ये ईयरफोन से कर रहा हूँ, इसके माइक घर पे है भाई। फैंस शुड आस्क मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट लो क्वालिटी स्टेडियम, सो केरला एंड बंगाल आउट फ्रॉम फीफा। अब हर बार कोलकाता में तो नहीं खिला सकते ना, दूसरा भी स्टेट में, वही बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपको फुटबॉल दूसरे स्टेट में लेके जाना है तो ऑलरेडी फुटबॉल के लिए क्रेज हाँ जहाँ पे है वहाँ पे आप रखे, जो दूसरे स्टेट है वहाँ पे लेके जाइए। इफ 90 मिनट क्रॉस देन एक्स्ट्रा टाइम एडेड, यस नहीं एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा, रोहित कुमार सीधा पेनल्टी उसका आउट। मिस्टेक होगा तो बिल्डअप में कुछ मिस पास करेंगे तो फिर कॉर्नर पे गोल कर सकते हैं, बिल्कुल भाई। और जितना हम देखे हम प्रेसिंग में उनको बीट कर सकते हैं, प्रेसिंग हमने अगर पगड़ी कर ली तो वो मिस्टेक होगा भाई। इराक ने कुवैत को 1-0 से हराया था और सऊदी एंड कतार को भी हराया है, बिल्कुल भाई। भाई आज प्रोफेसर कलिंगा का वीडियो देखा, एफएफ को पूरा धो दिया उसने वीडियो में। आसिक भाई लाइव स्ट्रीम छोड़ो और हजार के ट्रेनिंग करो, फिनिशिंग सीख।
we can play well on the counter against Iraq because we have a very speedy winger. यही मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास आप जैसे आसिफ पुरुनियन जैसा बेहतरीन विंगर है. अरे भाई सैन भाई, यार चांगते को क्या हुआ? चांगते भाई फीवर हो चुका है उसको सैन भाई, तो that's why he might not start tomorrow. खेलेगा कल. चांसेस आर वेरी लो भाई सैन भाई. भाई इराक कोच अप्रिशिएटेड इंडियन प्लेयर बनता है भाई, परफॉर्मेंस आप देखो पिछले 3 महीने की बनता है अप्रिशिएट करना. माइक छोड़कर बात करो आप, अच्छा आवाज आ रहा है. अच्छा माइक छोड़ के बात करो, अच्छा माइक छोड़ के, अच्छा ओके ओके. आज फर्स्ट टीमेक का एक इंटरव्यू आया. यस यस इंटरव्यू देखा भाई. रोहित कुमार महा तो बोल रहे कब एक्स्ट्रा टाइम एडेड होता है, 30 मिनट या चीज नहीं समझ आते है. अरे रोहित कुमार भाई, ये हर कॉम्पिटिशन का डिफरेंट डिफरेंट रूल होता है कि अगर होता है तो 30 मिनट ही होता है एक्स्ट्रा टाइम, नहीं तो सीधा आपका 90+ पेनल्टी होता है. तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होगा 20 मिनट का, ऐसा नहीं होता. एक्स्ट्रा टाइम है तो 30 मिनट ही होगा. सैन भाई ओपी, यस भाई बिल्कुल. बट यू विल पुट बैड क्रोसेस ड्यूरिंग काउंटर, क्रोसेस थोड़ी सी उसकी इंप्रूवमेंट की जरूरत है. इंटरव्यू नहीं पॉडकास्ट स्टोरी, अरे वो सेम ही चीज है. हमको पता नहीं है, लग रहा है कि कुछ बहुत गंदा एक्सपेरिमेंट होने वाला है कल भाई इगोर अंकल. बहुत तो भाई मतलब क्या ज्यादा डिफेंसिव चले जाएंगे, उससे बड़ा तो क्या हो सकता है भाई. वो विल प्ले एज एट लेफ्ट बैक नोआ सुबासिस नोआ आकाश मिश्रा. लेलन चुंगला खेल सकते हैं एंथुसियास्टिक हमारे सैन भाई, लेकिन आई थिंक इगोर माइट यूज बैक थ्री. हमारे पास सेंटर बैक अच्छे हैं तो ही माइट गो विथ बैक थ्री एंड दो विंग बैक के साथ जाए, ताकि थोड़ा सा डिफेंसिव आपको वहाँ पे भी कवर मिल जाए. आसिक अंडररेटेड रहता है हर मैच में. मयंक सिंगला भाई नहीं, लेकिन बंदे के पास फिजिकलिटी है थोड़ी सी. सैन भाई राहुल केपी और मनवीर कैन प्ले, बट आई विल गो फॉर राहुल केपी एट राइट विंग फॉरवर्ड, मनवीर एट सेंटर फॉरवर्ड. ये भी हो सकती है टैक्टिक्स. शरीम शुड बी इन लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम पेट्रोल रेस्टोरेंट एंड एक्सप्लोजिव एरिया. शुरू शुरू में ऐसा गोलमाल होता ही है, इतनी प्रेशर सिचुएशन में एफ पहली बार पड़ा है, इतनी कॉम्पैक्ट शेड्यूल पहली बार हुआ है, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा. लेट होप सो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाए और आगे इस तरह की हमें सिचुएशन में ना पड़ते हुए देखें तो वही बेटर है हमारे लिए और आई थिंक इंडियन फुटबॉल के लिए एज ओवरऑल वही बेटर होगा. तो वही वाली चीज है भाई. मनीषा कल्याण मेट 3 आशीष टुडे इन UCLW. यस यस भाई, मनीषा कल्याण फॉर एपोलन लेडीज, उनका आई थिंक UCL के क्वालिफायर्स को खेल रहे शायद, तो डेफिनेटली भाई ही इज द वन ऑफ द बेस्ट इंडियन वुमेन्स प्लेयर. व्हेन विल आईएसएल मैचेस शेड्यूल कम? राकेश फुटबॉल ये इसी में लफड़े में पड़ा हुआ है कि यहाँ पे एशियन गेम्स के रिगार्डिंग और सारी इससे आपको पता ही है, तो इस वीक आ जाना चाहिए. अब तो पहले ब्रॉडकास्टर आएगा उसके बाद ही शेड्यूल आएगा, उससे पहले शेड्यूल नहीं आएगा. तो पहले तो अभी ब्रॉडकास्ट हर किसी ने बता दिया कि भाई वाइकोमेटिन हो रहा है, लेकिन एएफएफ एंड एफएसडीएल भाई ऑफिशियल नहीं कर रहा है, तो क्यों इसको देरी हो रही है पता नहीं चल रहा भाई. अनवर अली और संदेश जी के खेल रहे हैं इराक वाले मैच में, बिल्कुल दोनों खेल रहे हैं. भाई रहीम अली के पास चांस है अपने आप को प्रूफ करने का, हम फैंस भी ये चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल भाई हमको रॉन्ग प्रूव कर दे भाई, यही तो हम चाहते हैं. इससे बड़े मौका नहीं मिलेगा. ईशान पंडिता इंजर्ड है, सुनील छेत्री बाहर है, तो यू आर दी वन एंड ओनली स्ट्राइकर हो इस मैच में इस पोजीशन के लिए. मनवीर सिंह है लेकिन उतना ज्यादा खेला नहीं है रिसेंट में, तो तुम्हारा केस स्ट्रॉन्ग है, स्टार्ट भी कर सकते हो. दिखाओ अपना कमाल, गोल मारो, असिस्ट दो, वट एवर यू कैन दो डू भाई. Ego Steaming said that our boys will cut the cake for my birthday and feed a piece of that to Iraq with safe journey back home. बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए, इससे बढ़िया तो उनको क्या हम बर्थडे या फिर बर्थडे गिफ्ट दे सकते हैं. ऐसा करते एक्सक्यूज दे देता है तो हाँ भाई, ये भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप हर कोई चीजें वो कर दो, आप सैलरी ले रहे हो और आपकी आप इसीलिए तो आपको इस जॉब पे रखा गया है बेसिकली. गुरकीरत इज बेटर देन रहीम अली एंड मनवीर. मेरा फॉर्मेशन अगर चांगते और आकाश नहीं अवेलेबल होते तो फिर गुरप्रीत पाजी अनवर मेहताब जिंगन 3 at the back, उसके बाद महेश एज ए लेफ्ट विंग बैक. महेश थोड़ा सा भी आपको ट्रैक बैक करके आपको डिफेंसिव वो नहीं दे पाएगा एज ए लेफ्ट विंग बैक. और आशीष मनवी राइट विंग बैक, ओके. थापा ब्रेंडन जिक्सन अली आशिक, ओके भाई दैट ऑल्सो गुड आई थिंक अ गुड वन. आज इंडिया ने नेपाल को हरा दिया और सेमीफाइनल में चला गया अंडर 16 बॉयज, यस वहाँ पे भूटान के सामने खेलेगा. चांगते और आकाश नहीं खेलेंगे क्या? नहीं खेलेंगे भाई. ईशान फिर से इंजर्ड हुआ था क्या? ईशान यस फिर से इंजर्ड हो चुका है, वो दुरान कप में इंजर्ड हो गया है. भाई इगोर के लिए बुरा लगता रहा है कि उसको ट्रेनिंग कैंप और प्लेयर्स अच्छा से नहीं मिला. एएफएफ इतने मैनेजमेंट करने के लिए चांगते दे नीड टू इम्प्रूव और फ्रेश डील के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं कर. देखिए ये तो एएफएफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको पहले से ही पता था कि इस तरह की सिचुएशन होने वाली है. 2 महीने पहले मैंने एक स्पोर्ट खबरी पे पॉडकास्ट किया था, जिन लोगों ने देखा होगा वहां पे हमने 2 महीने पहले डिस्कशन किया था कि सितंबर में क्या होने वाला है. एग्जैक्ट वही चीजें हो रही है.
जब हम जैसे लोग जो एक सिंपल इंडियन फुटबॉल फैन है, तो अगर 2 महीने पहले ये सिचुएशन प्रेडिक्ट कर सकता है और ये सिचुएशन देख सकता है, तो एफए में तो कैपेबल बंदे बैठे हैं, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, इतनी ज्यादा हाई सैलरी ले रखे बैठे हैं, तो वो नहीं कर पाए क्यों? इसीलिए क्वेश्चन करना बनता है भाई, काफी सारे लोग। लेकिन भाई बंदे अपनी जॉब ठीक से नहीं करेंगे तो हमारी एज इंडियन फुटबॉल फैन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो उन्होंने भाई अपना काम ठीक से नहीं किया तो क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त तारीफ ही करते रहेंगे। फिर तो ये भी पुराने एएफएफ जैसा बन जाएगा कि इनको इनको भी पता चल जाएगा कि फैंस को तो हम जैसे भी नचाना है नचा लेंगे, फैंस को जॉब हम करते रहेंगे, सब कुछ सही लगता है। तो ये वाली चीज है। मेरे ख्याल से कल चांगते को लाजमी खेलना चाहिए, वरना इम्बेलेंस हो जाता है बहुत। नो वन लाइक इन इंडिया, एग्री? वो तो भाई सैन भाई मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अब तो आपको पता है फुटबॉल एंड इंजरीज गो हैंड इन हैंड। सो जो बेस्ट मनवीर सिंह है, लेकिन आप सैन भाई मनवीर सिंह भी एक अच्छे फॉर्म के साथ आ रहा है। इट्स ऑफिशियल दैट वेस्ट एशियन टीम्स आर अफ्रेड ऑफ अवर लॉर्ड पैके। यस, ईशान पंडिता इंजर्ड हो गया तो स्ट्राइकर कौन खेलेगा? ईशान पंडिता इंजर्ड ही है भाई, इंजर्ड ही है। रहीम अली है ना अपने पास, वो तो हमेशा अच्छा खेलता, टूर्नामेंट मिस करता है। लास्ट टाइम हांगकॉन्ग के अगेंस्ट गोल मार के गायब हो गया। इन टूडेज मैच रेफरी वॉज टू मच फेवर टू अस, अवर प्लेयर्स डिड एक्टिंग सम टाइम्स एंड ग्रैब सम फेवर्स। ये देखिए, ये तो रहता है रेफरी का, कभी इस टीम को कभी उस टीम को। भाई एफए को पब्लिक डोनेट क्यों नहीं कर सकती है? फंडिंग नहीं है, पब्लिक डोनेशन ओपन होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि वो इस रास्ते पे जाएंगे। देखा मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा भाई, बाकी है भाई। पेनल्टीज में मैच गया तो आई एम श्योर इंडिया वुड विन, आई एम ऑल्सो श्योर, आई एम ऑल्सो श्योर। राइट विंग फॉरवर्ड नहीं है चांस है जैसा इंडियन टीम में। हाँ अब वो तो है, वो तो है। अच्छा ये इतने सारे प्लेयर्स बीमार पड़ रहे हैं, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं आएगा? वही तो आई थिंक एएफएफ एंड इगो स्टेमिक ने सोचा होगा कि निकाल लेंगे, 2 ही मैच का तो बात है। एएफएफ इज अवर फैन नीड, वी नीड इंडियन फुटबॉल। हाँ उदंता था, अभी तो फॉर्म में ही नहीं है। उदंता को भी ड्रॉप किया गया है, वो भी एक है, उदंता को भी ड्रॉप किया गया है। मालदीव्स मीटिंग भूटान राइट नाउ अंडर इन अंडर 16। अच्छा भाई, हो। तो वहां से कौन, आई थिंक तो फिर कौन आ रहा है? मालदीव का चांस बन रहा है क्या ग्रुप ऐसे? मैंने महेश को लेफ्ट विंग बैक रखा क्योंकि फ्रंट हाँ खेल सकता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बिल्कुल नहीं खेल सकता, खिलाऊंगा क्योंकि रहीम को लोड है उसके क्वेश्चन। राहुल केपी को स्टार्ट नहीं देना चाहता था, महेश उतना ट्रैक बैक नहीं कर सकता। हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी ठीक है। देखते हैं कैसे निकलता है इराक के अगेंस्ट बकोल। बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं भाई। स्टार्टिंग 11 आपका मैंने बता दिया महेश भाई, मैं फिर से बता देता हूँ, स्टार्टिंग 11 भी बता देता हूँ, आप प्रिडिक्शन भी कर दीजिए, उसके बाद हम रैपअप करेंगे, ठीक है? तो जितने भी लोग जुड़े गाइस, सबसे पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्रिडिक्शन चैट में डाल दीजिए, मैं लाइनअप बता देता हूँ। गुरप्रीत सिंह संधू गोल, संदेश जिंगान, अनवर अली, मेहताब सिंह ब्रेक 3, आसिक कुरुनियन, आसिफ राय, दीज आर दी फुल बैक्स, सॉरी विंग बैक्स, थापा, डिक्सन, ब्रेंडन, मिडफील्ड मनवीर एंड नोरेमास फ्रंट 2। दिस इज माय फाइनल लाइनअप। राहुल केपी इतने लाइट न्यू मार एंड मेरा प्रेडिक्शन आई थिंक वी विल पुट अप अ गुड फाइट बट माइट लॉस ऑन दी वन गोल डिफरेंस। हेलो भाई, आई कॉल अलोन भाई, आसिक को लेफ्ट बैक खिला सकते हैं? लेफ्ट बैक नहीं खिलाएंगे, लेफ्ट विंग बैक खेल लेगा भाई, लेफ्ट विंग बैक वो अच्छा खेल लेगा। तो मेरा प्रेडिक्शन है कैन इंडिया मैच फिजिकलिटी ऑफ ईरान? यस वी कैन, वी कैन। आई थिंक हमारे जो प्लेयरों की फिजिकलिटी पिछले कुछ मंथ में आप देखिए इंप्रूव हुई है डेफिनेटली। इंडिया प्लेज लिटिल फिजिकल एज आई सो अगेंस्ट लेबनान एंड कुवैत। फॉर्मेशन 4-4-3 तो नहीं होगा, आई थिंक 3-5-2, दिस विल बी द बेस्ट फॉर्मेशन फॉर अस। आसिक वैसे लेफ्ट विंग में खेल सकता है भाई? यस 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 खेल सकता है, लेकिन रिस्की हो जाएगा भाई, खेलने के लिए तो कोई भी खेल लेगा लेकिन रिस्की हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए। तो यहाँ तक रखते हैं गाइस, एंड आई थिंक हमने सारे एरिया कवर कर लिए हैं, बाकी कल मिलेंगे वहाँ पे ज्यादा डिस्कस करेंगे। इज देयर एनी चांस ऑफ यू बीइंग अपॉइंटेड एज द एफए प्रेसिडेंट इन द फ्यूचर? नो चांस। इंडिया वर्सेस इराक, आई एम गुड एज अ फुटबॉल फैन। मुंबई सिटी वर्सेज अलीलाल, दैट विल बी द बिग मैच। 5-4-4-2 खेलना चाहिए क्या इराक के अगेंस्ट? खेल सकते, दैट ऑल्सो वेरी गुड टैक्टिक्स, मिड ब्लॉक 4-4-2 इज ऑल्सो गुड टैक्टिक्स। तो बीएफसी में आसिक लेफ्ट बैक खेलता था रोका के अंदर, यस, लेकिन उसके बाद उसने अपने आप को ज्यादा आप देखे कि एज ए लेफ्ट विंग बैक और लेफ्ट विंगर खेला है, तो इतना बता सकता हूँ। बड़ा बंदे डर के नहीं खेलेंगे, एटीट्यूड हाई रखेंगे, बिल्कुल भाई।
इंडिया न्यूज, अरे भाई बेकार से जर्सी भाई, जो आप देखिए ट्रेनिंग वाली भी जर्सी है, अल नसर का था, ऑयल है का इंडिया का, जो स्पॉन्सर पिछले साल अल नसर का था वही, नहीं, दूसरा है भाई हमारा, किड स्पॉन्सर बेकार मिल गया है भाई हमको। वो चलो करोगे क्या कल? ट्राई करूंगा, कोशिश रहेगी मेरी। सेना वर्सेस यूएई का मैच लाइव कहाँ पर आ रहा है वो मेरे को भी, मैं देखना पड़ेगा, लिंक है नहीं, मैं मिलता है तो दे दूंगा। 442 में प्रॉपर लेफ्ट बैक चाहिए, और भी टीम पर प्रॉपर। व्हाट योर कोलैब विद अदर यूट्यूबर्स? करेंगे करेंगे भाई, मैं जैसे ही घर वापस जाता हूँ करेंगे कोलैब करेंगे। माई स्टार्टिंग 11 352, गुरप्रीत सिंह संधू, अनवर सिंगान, जिंगान, मेहताब, मिड आशिक, ब्रेंडन डिक्सन, सुरेश महेश, स्ट्राइकर मनवीर रहीम। दैट ऑल्सो गुड 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 लाइनअप। सो यहाँ तक रखते हैं गाइस, मिलते हैं कल इन दी वॉच अलोंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द सीरीज। जय हिंद, जय भारत।